हम बात कर रहे हैं टीवी स्टार और जल्द ही फिल्म स्टार होने वाली निकुंज मलिक से, जिन्हें अपने इस प्रोफेशन की वजह से धमकियां मिल रही हैं उनके परिवार की तरफ से। उनकी मदर हमारे साथ हैं। मिसेस मलिक, अब आप चाहती क्या है मामला, क्योंकि पुलिस के पास है, क्या कहना चाहती हैं आप अब? मैं ये चाहती हूँ पुलिस उन पर रोक लगाए, हमें प्रोटेक्शन दे और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को सेफ किया जाए। आपको लगता है कि आप सुरक्षित नहीं हैं अकेली यहाँ पर, आपको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है? हाँ जी जी, ठीक है। निकुंज, कुछ आप जाते जाते कहना चाहती हैं? और देखिए, मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं इस बात को सोचकर हैरान हूँ कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो बोल सकती है और जिसकी थोड़ी पहुँच है, अगर मेरे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो जो वो लड़कियाँ हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं है और जिनकी कोई पहुँच नहीं है, उनका क्या हाल करते होंगे लोग आज के जनरेशन में भी। दूसरी बात ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ, और मैं इस बात के लिए मैं मीडिया की सपोर्ट चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मीडिया से कि मेरा साथ दे, कि पुलिस को जब इस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, पुलिस क्यों बार बार केस दबाने की कोशिश कर रही है? पहली बार तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था मुझे इन्फॉर्म किए बिना। अभी भी जब पुलिस को सारा मैटर मालूम है, हमने रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई है, उसके बावजूद पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है और पुलिस की बकाया मतलब प्रॉपर कोशिश बनी हुई है कि किसी तरह इस केस को दबाएं। पॉलिटिकल प्रेशर है या मॉनिटरी प्रेशर है मुझे नहीं पता। देखिए निकुंज, क्योंकि मामला आपने कहा कि पुलिस के पास है और आपको जरूर हम सबका समर्थन है, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रही हैं, आप कुछ गैर कानूनी नहीं कर रही हैं, जो आप कर रही हैं आपका अधिकार है। और आपके साथ अगर कोई भी ज्यादती करता है, आपको धमकी देता है या मारपीट तक हुई आपका आपके साथ, तो ये कानूनन अपराध हैं और पुलिस को इस पर एक्शन लेना ही होगा। ये हम सब चाहते हैं और हम सब उम्मीद करते हैं कि जल्द हमें देखने को भी मिले। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे बात करने के लिए। देखो जो आपका